ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये ही हो की फूटी। पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा निज उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एकै बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ती सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। सतगुरु कबीर की वाणियां ऐसी हैं कि मात्र उनके एक पद पर, एक साखी पर हम विचार कर लें और जीवन में उसका आचरण कर लें तो हमारे कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए पर्याप्त। लेकिन हम विचारें ना, मनन ना करें, चिंतन ना करें और आचरण ना करें तो बड़ी बड़ी पोथियों को हम रात दिन पढ़ते गाते रहेंगे, जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। हम पोथियों को पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, विचार करके आचरण नहीं करते तो जीवन में परिवर्तन कैसे हो। इसी पर सतगुरु कबीर ने कहा है, गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा, कहें कबीर पारस पर से बिना, जत पाहन भीतर लोहा। कहा जाता है पारस से स्पर्श करने पर लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर का उदाहरण कवि जगत में बहुत चलता है, लेकिन पारस पत्थर दुनिया में कहीं है नहीं। यदि होता तो सोना इतना महंगा ना होता। सारे लोहा अब तक सोना बन चुके होते, उदाहरण है केवल, बात को समझाने के लिए। साहब कहते हैं पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पारस पत्थर के बीच ही लोहा है और सोना नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोहे के ऊपर मिट्टी लिपटी हुई है या लोहा में जंग लगा हुआ है। ऊपर की मिट्टी और जंग, लोहा और पारस बीच में पर्दा बना हुआ है, स्पर्श नहीं होने दे रहा है। तो लोहा पारस के साथ रहकर भी सोना कैसे बने? दशा हमारी यही है। अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथा कहानियों को पढ़ते हैं और पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। हमारा लोहा सोना नहीं बन पा रहा है। क्यों? अविद्या का मोर्चा, विषयाशक्ति का कीचड़, अहंकार का पर्दा लगा हुआ है, जीवन ज्यों का त्यों बना हुआ है। ज्ञान की बातें केवल कहने और सुनने के लिए नहीं हुआ करती, मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करती, जीवन निर्माण के लिए हुआ करती है। लेकिन ज्ञान की बातों को हमने केवल मनोरंजन के लिए और कहने सुनने के लिए मार रखा है।
जिंदगी बीती जा रही, परिवर्तन कितना हुआ जरा देखें तो। महाभारत कार की भाषा में कहें तो हम सब के सब महामूर्ख हैं। किसी ने युधिष्ठिर से पूछा, किसी ने कहा यक्ष प्रश्न में यह है कि पंडित किसे कहते हैं। हमें कोई पूछे पंडित किसे कहते हैं तो हम क्या उत्तर देंगे? अमुक वर्ण, अमुक जाति, अमुक सरने वाला व्यक्ति पंडित है। युधिष्ठिर से पूछा गया पंडित कौन, तो दोनों बात उन्होंने बताई, पंडित कौन और मूर्ख कौन। पटका पाटकाश्चर्य चान्नी शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णुनो मूर्खा यह क्रियावान तब पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। हमारी गिनती नहीं व्यसनी और मूर्खों में है। कोई हमें मूर्ख कह दे, कोई हमें व्यसनी कह दे तो हम नाराज हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। हम तो इतने जानकार, इतने विद्वान, ऐसे साधु वेश, ऐसे प्रवक्ता, और हम मूर्ख हैं। यदि आचरण सही नहीं है, ज्ञान की बातें स्पर्श नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो व्यसनी और मूर्ख नहीं है तो कौन है फिर? यह क्रियावान सब पंडित, जो आचरण संपन्न है, चरित्रवान है, वह पंडित है। सोचिए अपने आप को हम नंबर किस में देना चाहेंगे? अंदर झांक कर देखिए, लोग हमें पंडित कहते हैं, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु पीर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमारी दृष्टि में हम क्या हैं? लोग की दृष्टि में क्या है यह मत देखिए, अपनी दृष्टि में हमारी अंतरात्मा गवाही हमें क्या दे रही है यह देखिए। अंतरात्मा तो गवाही देती है कि तुम मूर्ख हो। लेबल हमने लगा रखा है पंडित का, महात्मा का, ये लेबल काम नहीं करेगा। और हम सब लेबल लगा करके घूम रहे हैं। लेबल हटाना होगा, जीवन को संवारना होगा, जीवन की निरख परख करनी होगी। जीवन संवर गया, एक अक्षर भी जिसने ना पढ़ा हो वो पंडित। ज्ञान वैराग चरित्र है जीवन पूर्ण, वह पंडित। भले एक अक्षर ना पढ़ा हो, अंगूठा छाप हो, अनेक शास्त्रों के धुरंधर, आचरण से हीन, महामूर्ख, बेशनी। सदगुरु कबीर यहां कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना उसकी आदत छूटती है। भजन तो बहुत हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, भजन के नाम पर दिखावा हो रहा है। भजन कहां हो रहा है? जिंदगी बीती जा रही है, वर्षों हो गए, सत्संग करते, नाम जपते, पूजा करते, वंदना करते, गंगा नहाते, कितनी आदतों का त्याग हुआ है, गलत आदतों का। वर्षों बीत गए, नाम जपते जपते, माला फेरते फेरते, सत्संग करते करते, तंबाकू भी नहीं छूटा, भजन कहां हो रहा है? और दुर्भाग्य तो यह है, बड़े बड़े प्रवक्ता मुंह में तंबाकू बैठाकर, मुंह में तंबाकू दबा करके प्रवचन करने बैठते हैं, कहां भजन होता है? क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, काम की वासना नहीं छूटी, झूठ बोलने की आदत नहीं छूटी, चिड़चिड़ाने की आदत नहीं छूटी, लड़ने की आदत नहीं छूटी, स्वार्थ लिप्सा नहीं छूटी, भजन कहां हो रहा है?
लोग कहते हैं कि विज्ञान धर्म का नाश कर रहा है, नई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। विज्ञान धर्म का नाश करता है या नहीं करता है, ये बात पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन धर्म का नाश जितना धार्मिकों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। धर्म को डुबाने वाले यदि कोई हैं तो केवल धार्मिक कहलाने वाले हैं। धर्म का हमने लेबल लगा रखा है और अंदर अधर्म का काम चल रहा है। एक उदाहरण याद आया, एक भक्त जी थे, बड़े पुजारी, सुबह शाम एक एक घंटा पूजा किया करते थे, माला फेरा करते थे, संतों के पास जाकर के बैठते थे, सेवा करते, सत्संग करते थे। उनका एक जवान बेटा था, कभी संतों के पास नहीं बैठता था, कभी पूजा नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। भक्त सज्जन बेटे को समझाते समझाते थक गए कि बेटा मैं रोज सुबह शाम एक घंटा पूजा करता हूं, तुम ना एक घंटा तो पांच दस मिनट ही तो पूजा कर लो, अरे ना कहीं तो मंदिर जाकर के भगवान सामने आरती तो कर लो, हाथ तो जोड़ लिया करो, संतों के पास थोड़ा बैठ तो लिया करो। लेकिन लड़का ध्यान ही नहीं देता था, बहुतों से समझाया लेकिन लड़के में कोई फर्क नहीं आया। एक बार उनके यहां एक संत का आगमन हुआ, भक्त ने शिकायत की अपने बेटे की कि महात्मन मेरा बेटा ऐसा ऐसा आप समझा देते हैं, न ज्यादा से ही तो कुछ तो धर्म कर्म का काम करे, कुछ मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, संतों के साथ बैठे। महात्मा ने कहा ठीक है, लड़का आएगा, यदि उसका सुनने का कुछ मन होगा, सुनने के मूड में होगा तो मैं कहूंगा। ध्यान दे, आप अपनी कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, आपका बेटा ही क्यों ना हो, आपका नौकर ही क्यों ना हो, यदि उसका सुनने का मूड नहीं है तो अपनी जबान बंद रखिए, आपकी बात व्यर्थ चली जाएगी। सुनने का मूड नहीं है, छोटी से छोटी बात कहेंगे, आपकी बातों की अवहेलना हो जाएगी, वो मानेगा नहीं। मन खुश है, मूड है उसका, बड़ी से बड़ी बात, कड़वी बात भी कह लोगे ना तो आराम से सुन लेगा। अनेक घरों में बड़े बुजुर्ग फेल क्यों होते चले जा रहे हैं, क्यों जाबेजा समय कुसमय बहुओं और बेटों को डांटते रह जाते, अपनी बात मनवाना चाहते, इसलिए फेल होते चले जा रहे हैं। देखो उनका मन क्या है, सुनने का मन है भी या नहीं है, वो सुनने की तैयारी उनकी है या नहीं है, सुनने की उनकी तैयारी ही नहीं है और आप उपदेश पर उपदेश झाड़ते चले जा रहे हो। उपदेश हवा बन करके उड़ जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका मन नहीं है तो शांत रहिए। जब देखें कि उनका मन खुश है, समय है, तो प्यार से आप धीरे से अपनी बात कहें, आपकी बात मान ली जाएगी। तो महात्मा ने कहा कि आपके बेटा आएगा और सुनने का मूड होगा तो मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। भगत जी चले गए काम से, संत जी आराम करने लगे। संयोग से भक्त जी का बेटा आया, बैठा, प्रणाम किया, बातचीत होने लगी। बातचीत के दरमियान में संत ने कहा बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारी शिकायत करते थे कि तुम कभी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते, कभी संतों के पास नहीं जाते,
अरे न तुम्हारा मन हो तो कम से कम अपने पिता का मन रखने के लिए तो चले जाया करो, क्यों ऐसा करते हो। उस युवक ने कहा, महाराज पिताजी की सारी शिकायत उचित है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें कारण तो पिताजी ही है कि क्यों। तो युवक ने कहा, महाराज पिताजी सुबह शाम एक एक घंटा पूजा करते हैं, बात सही है, माला भी फेरते रहते हैं, बात सही है, संतों की सेवा करते हैं, बात सही है, सत्संग करते हैं, बात सही है, लेकिन घर में जितना गुस्सा पिताजी करते हैं, जितना लड़ता है पिताजी, लड़ाई झगड़ा करते, उतना कोई नहीं करता। महाराज जो गुस्सा ही करना, संतों बात जाकर क्या सीखूं मैं, लड़ाई भिड़ाई करना है तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, फिर उसके दुनिया ही पड़ी हुई है। पिताजी यदि शांत रहते, थोड़ी बहुत हानि होती उसको सहन कर लेते, प्रेम से हमें समझाते, उसके जीवन हम कुछ परिवर्तन देखते, पिताजी का गुस्सा कम हो गया है, लोभ कम हो गया है, चिड़चिड़ाने की आदत कम हो गई है, सहनशीलता बढ़ गई है, तब तो हमें लगता कि संतों के पास जाकर जाने से जीवन में कुछ परिवर्तन होता, लाभ होता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा पिताजी ही करते हैं, बात बात में लड़ते हैं, ये उदाहरण है। तो धर्म का जितना नुकसान धार्मिकों ने किया है, उतना नुकसान किसी अधार्मिक ने नहीं किया है। खोना क्या चाहिए, होना तो यह चाहिए कि हमारी जवान की अपेक्षा हमारा जीवन बोलने लग जाए। स्थिति यह है, हमारा जीवन नहीं बोलता है, हमारी केवल जवान बोलती है, और जवान का ज्ञान किसके पास नहीं है। भजन क्या है, असली भजनानंदी कौन, जिसका जीवन बोलने लग जाए, जिसके मन के विकार धुल जाए, आदतों में परिवर्तन हो जाए, तो बिना भजन के वह भजन कर रहा है। एक महात्मा एक बाग में चुपचाप बैठे थे, एक सज्जन उधर से गुजरे, देखा महात्मा चुपचाप बैठे हैं, कहीं जाना था काम से, उन्हें कुछ कहा नहीं, आगे चले गए। घंटा भर बाद लौट करके आए तो देखा महात्मा फिर वैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। उस सज्जन ने महात्मा से कहा, महाराज अरे आप महात्मा हो, कुछ भगवान का भजन किया करो, चुपचाप क्यों बैठे हो। तो महात्मा ने कहा, भजन कब करूं, मुझे तो हर समय सूतक लगा रहता है, और सूतक कब लगता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और सूतक में कोई धर्म का काम नहीं किया जाता है। महात्मा ने कहा, मुझे तो हर समय सूतक लगा रहता है, भजन कब करूं। सज्जन ने कहा, अकेले यहां बैठे हुए हो, आपका परिवार कहां है, जहां कहां कोई जन्मता हो, कहां कोई मरता हो, सूतक लगा हो, अकेले हो, सूतक कहां लगा है आपको। महात्मा ने कहा, आप मेरे परिवार को जानते कहां हो, मुझे हर समय सूतक लगा रहता है, मेरे जीवन में मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार, इनमें से हर समय कोई ना कोई मरता रहता है, और दया क्षमा भक्ति शील विवेक विचार कोई ना कोई जन्मता रहता है, इसलिए हमेशा सूतक लगा रहता है, कहां भजन करूं। सज्जन का महाराज समझ गया, भजन आपे कर रहे हो, असली भजन कर रहे हो। क्या ऐसा हो रहा है जीवन में, नहीं हो रहा है तो भजन कहां हो रहा है। सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना आदत छूटती है। असली भजनानंदी वह
जिन्होंने अपने जीवन से सारी गलत आदतों का त्याग कर दिया है, जिसका जीवन निर्मल सदाचार से परिपूर्ण, उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई, उस व्यक्ति का जीवन स्वयं मंदिर बन चुका है। हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीना है, ऐसे व्यतीत करना है, एक एक काम को इस ढंग से फूंक फूंक करके करना है। हमारा जीवन ही मंदिर बन जाए, जहां बैठे एक अदृश्य मंदिर का निर्माण हो जाए, बाहर मंदिर जाने की आवश्यकता न हो, समझना जीवन में भजन हो रहा है। और कमी इसी की है, यही तो नहीं हो रहा है। चारों तरफ देखो, धार्मिक क्रियाकलापों की बाढ़ आ गई है। उन बाढ़ को देखकर ऐसा लगता है मानो धर्म की बहिया आई, धर्म की बहिया नहीं आई है, कर्मकांड की बहिया आई है। अखंड पाठ, अखंड जागरण, अब पता नहीं क्या क्या अखंड। अरे बिहार की धरती, यहां तो और क्या कहना है। कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, अखंड चलता है। शुरू हो गया एक बार लाउडस्पीकर माइक, तो 24-24 घंटा का 48-48 घंटा बंद होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि धर्म का काम है। भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान का की कथा हो रही है, पुण्य हो रहा है, पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है। मैं तो कहता हूं ये अखंड जागरण नहीं, अखंड पाप हो रहा है। आप अखंड पाठ करके, अखंड जागरण करके, अखंड कीर्तन करके, अखंड सत्संग करके पुण्य बटोर रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कौन सी पाप किया है कि आप उनकी नींद हराम कर रहे हो? रात में 10 बजे के बाद माइक बजाना अपराध नहीं, महापाप है। लेकिन हम धार्मिक हैं ना, हमें पाप करने की छूट मिल गई है कि धर्म का नाम ले लो और पाप करते रहो, लोगों की नींद हराम करते रहो। विद्यार्थी है, परीक्षा तैयारी है, हम अखंड कीर्तन करते चले जा रहे, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे बीजक का ही पाठ करो, हम कैरपंथी हैं, हमारा मुख्य ग्रंथ बीजक ही है, और हम बीजक का अखंड पाठ करते हैं तो हम भी पाप ही कर रहे हैं। उस विद्यार्थी की तैयारी परीक्षा की हमारे पाठ कारण से चौपट हो गई। कोई बूढ़ा है, रात में नींद नहीं आती, वैसे भी हम पाठ कर रहे हैं, उसकी नींद हराम हो गई। कोई हार्ट का मरीज है, सुने नहीं दे रहे हैं, उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं। सोचो पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? कहां हमने धर्म को समझा है? धर्म का लेवल और अधर्म का काम, कहां भजन हो रहा है? आप करते हैं, ये अमुक के लिए बात नहीं है। उत्तर प्रदेश हम जाते, जहां रहते हैं, हमारा आश्रम इलाहाबाद में, वहां भी हम देखते हैं, कई जगह देखते हैं अखंड रामायण का पाठ। भाई अखंड रामायण का पाठ करते हो, करो, मनाही उसके लिए नहीं है। रात में 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर बंद कर लो, किसको सुनाना चाहते हो? भगवान कहा जाता है भगवान भाव का भूखा, तो क्या आप 10-10, 12-12 दिव्य स्पीकर लगा करके भगवान को सुना रहे हो कि पड़ोसों को सुना रहे हो? भगवान तो आपके भाव का भूखा है ना, तो भगवान आपके भाव को भूखा है। आप मन से भी नाम लोगे तो भगवान समझ जाएगा, वो तो अंतर्यामी आप कहते हो, लेकिन अंतर्यामी से मतलब नहीं है, मतलब तो है पड़ोसियों से। हमें बताना है कि हम धार्मिक हैं, देखो हम इस ढंग से काम कर रहे हैं। ये दिखावे का धर्म काम नहीं आएगा, दिखावा छोड़ना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन, और कितने लोग काम धर्म का करेंगे देखने में, उद्देश्य अधर्म। अखंड पाठ, अखंड जागरण, अमुक प्रकार की पूजा, अमुक प्रकार का कर्म कांड क्यों कर रहे हो भाई?
भाई से मुकदमा चल रहा है विजय पाने के लिए, दिखावा धर्म का, और फल कहां हो रहा है, उद्देश्य क्या हो रहा है मुकदमा में विजय, वो भी भाई से जमीन को लेकर मुकदमा उसमें विजय, ये धर्म का काम है कि अधर्म का काम है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी, मनुष्य न हरि का भजन करता है न आदत छूटती है, जीवन को संवारना होगा। जीवन समर गया, भजन हो गया, मान्यताएं अलग अलग होती है, रुचियां अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, दार्शनिक सिद्धांत अलग अलग होते हैं, वो सब अपनी जगह पर ठीक, कौन दर्शन ठीक है कौन दर्शन गलत है इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन किसकी पूजा करता है, कौन किसकी पूजा करता है, इसमें भी उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान्यता अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। आप जिसकी पूजा करते हैं वो भगवान आपके लिए बड़ा, लेकिन दूसरे आदमी को इतने श्रद्धा नहीं है उसे, उसे बड़ा कैसे मानेगा। यहां भी आकर गड़बड़ी है, धर्म क्षेत्र में प्रायः यह कहा जाता है भाई मालिक तो एक है, परमात्मा तो एक है, नाम अलग अलग है, तो नाम अलग अलग है तो उसे किसी भी नाम से पुकारो फर्क क्या पड़ता है, लेकिन विवाद नहीं, हमारे नाम से पुकारना होगा। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो असली भगवान, भगवान भी असली नकली हो गए हैं, इसके लिए भी लेकर विवाद, घर घर में विवाद है। बहुत पुरानी बात है, हमारे गुरुजी एक बार कलकत्ता में निवास कर रहे थे, एक दंपत्ति आए मिलने के लिए, बातचीत के दरमियान में जो महिला थी उसने कहा गुरुजी से, गुरुजी ये हमारे पति को समझा दीजिए, ये मुझे बार बार कहते हैं राम मंदिर चलो राम मंदिर चलो राम मंदिर चलो, मैं राम मंदिर क्यों जाऊंगी, मैं तो कृष्ण की भक्ति हूं, मैं तो कृष्ण की पुजारी हूं, मैं तो कृष्ण मंदिर में जाती हूं, ये बार बार कहते हैं राम बड़े भगवान है राम मंदिर में चलो, मैं क्यों जाऊं कृष्ण मंदिर में, मैं क्यों जाऊं राम मंदिर में। गुरु जी ने कहा उसकी बात सुन करके, ये तुम्हारे पति हैं कि हाँ है, तुम इनके लिए समर्पित हो कि हमारा तन मन सबसे समर्पित हो इसके लिए मेरे पति हैं। गुरु जी ने कहा तुम इसकी पत्नी हो तन मन से समर्पित हो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे जेठ हैं, तुम्हारे देवर हैं, अन्य और पुरुष हैं, तुम उन्हें समर्पित नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें भोजन पानी तो दे सकती हो ना, कि हाँ महाराज देती हूं मेरा कर्तव्य है, ससुर को जेठ को देवर को अन्य जो पुरुष उनको भोजन पानी देना मेरा कर्तव्य है। गुरु जी ने कहा ठीक ऐसे ही तुम समर्पित अपने पति के लिए हो, लेकिन देवर जेठ ससुर को भोजन पानी देना तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक ऐसे ही समर्पित कृष्ण के लिए रहो, लेकिन राम को भोजन पानी तो दे सकती हो ना तुम। कि महाराज ऐसा ये कहते कि हाँ ये कहते राम बड़े भगवान है, कृष्ण वो कहते कृष्ण बड़ा, वो कहते राम बड़े, अब कहते दोनों एक ही आदमी, ये बड़े बड़े में झगड़ा है भाई। आप अपने भगवान को बड़ा कह सकते हैं, लेकिन दूसरे के भगवान को छोटा कहने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। हर आदमी अपने भगवान को अपने गुरु को बड़ा मान सकता है, मानना चाहिए, तभी श्रद्धा होती है। हम अपने गुरु को बड़ा ना माने, अपने इष्ट को बड़ा ना माने, तो उसके लिए एक निस्समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा नहीं जमेगी। एक निस्समर्पण चाहिए, अटूट श्रद्धा चाहिए,
तो हमें अपने भगवान को, अपने गुरु पीर को, अपने इष्ट को बड़ा मानना ही होगा। माने लेकिन हम कभी भी दूसरे के भगवान को छोटा ना कहें। बस यही, जहां छोटा कहे हमारा बड़ा, दूसरा तुम्हारा छोटा, बस वही विवाद, वही गड़बड़ी। ये गड़बड़ी का त्याग भजन करना है, इसमें उलझिए मत। मैं ये कह रहा था, रुचियां अलग अलग है, सिद्धांत अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, कर्मकांड अलग अलग है, और उनके कारण कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। अमुक मत मानने वाला बड़ा, अमुक गुरु को मानने वाला बड़ा, अमुक भगवान मानने वाला बड़ा नहीं। जिसका चरित्र बड़ा है, जिसका आचरण उज्जवल है, वह बड़ा है, चाहे वो कुछ मानता हो या ना मानता हो। कृतेन ही भवेदारियो न धने न विद्या। कृत से, आचरण से, चरित्र से आदमी बड़ा होता है, धन और विद्या से बड़ा नहीं होता है। और आचरणहीन आदमी पूज्य नहीं होता। आचारहीन न पुनन्ति वेदा कहा गया है। आचरणहीन आदमी को वेद भी पुनित नहीं, पवित्र नहीं कर सकते हैं। कहानी के अनुसार, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित, वेद विद्याव्रत स्नाता कहा गया है रावण को वाल्मीकि रामायण में, वेद विद्या में निपुण, जिसे लौकिक दृष्टि से आप बड़ी जाति मानते हैं, उस जाति में उत्पन्न। हम और आप जिन जिन उपलब्धियों से संपन्न होना चाहते हैं, जो जो उपलब्धियां चाहते हैं, वे सारी उपलब्धियां रावण के पास थी। धन बल, जन बल, पद बल, विद्या बल, प्रतिष्ठा बल, शासन बल, सब रावण के पास था। और शिव जी का पुजारी, लेकिन आचारहीन न पुनन्ति वेदा कहा गया। चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होते भी रावण पूजनीय नहीं हुआ। क्यों? आचरण में थोड़ी त्रुटि के कारण, चरित्र में गड़बड़ी के कारण। चरित्र सुधार, आचरण सुधार, ये सबसे बड़ी पूजा है। इस पूजा के बिना सारी पूजा बेकार है। सब पूजा धर्म कर्म है। निर्मल मनवानी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। ये गुरुदेव जी की कविता की दो पंक्तियां हैं। सब पूजा धर्म कर्म है। निर्मल मनवानी काया, मनवानी कर्मों की शुचिता, मनवानी कर्मों की निर्मलता, ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा कर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ साथ मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया, अपने जीवन की निर्मलता, मानव मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार, जीव मात्र प्रति दया करुणा, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? यही तो भजन है। और ये भजन नहीं हो रहा है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न गलत आदत छूटती है। इसलिए हम सबको अपनी गलत आदतों का त्याग करना होगा। आदत छूट गई, जो हम पाना चाहते हैं बाहर से, वो सब का सब मिल जाएगा। शब्द समूह सुधारत नाही, आंधर भये हियो की फूटी। सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य शब्दों को समझना नहीं चाहता और सुधार करना नहीं चाहता। शब्दों को समझना होगा। शास्त्रों में कोई भी शास्त्र हो, उनमें ज्ञान के हीरे मोती भरे पड़े हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। महिमा में न पड़े,
चमत्कार के पीछे न दौड़े, अंधविश्वास में न पड़े, भ्रम में न उलझे, किन शास्त्रों की बातों को विवेकपूर्ण दृष्टि रख करके पढ़ें। समझिए कि कौन से शब्द किस उद्देश्य से कहे गए हैं। महिमा में कहा गया है या रोचकता में कहा गया है या सही निर्णय के ढंग से कहा गया है। सभी धर्म ग्रंथों को आदर दें, कोई ग्रंथ न हमारा है न पराया है, कोई महापुरुष न हमारा है या न पराया है। दुनिया के सभी महापुरुषों के प्रति हमें आदर और श्रद्धा का भाव रखना होगा। और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को, चाहे किसी मतपंथ के हों, निष्पक्ष होकर के पढ़ना होगा। लेकिन आंख मूंद कर हम किसी की बात को न माने, विवेक जो गवाही दे, तर्क जो गवाही दे, निर्णय जो गवाही दे, कारण कार्य की व्यवस्था जो गवाही दे, तत्वों के गुणधर्म जो गवाही दे, विश्व के शाश्वत नियम जो गवाही दे, इनकी कसौटी में जो बातें खरी उतरे उनको ही मान ले बस। आंख मूंद कर मानने लग जाएंगे भटकते चले जाते हैं। शायद नहीं, ऐसा मत करो, उदार बनो और उदार बन करके सबको पढ़ो जितना पढ़ पाओ, लेकिन आंख मूंद कर किसी बात को मत मानो, समझो और समझ करके सुधार करो। लेकिन आंधर भय ही योग की फूटी। साहब कहते हैं लोगों के जीवन को देखकर लगता है कि लोग बाहर और भीतर दोनों से अंधे हो गए हैं, न बाहर नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है इन्हें, न भीतर के नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है। हमारी बाहर की चाम की दो आंखें हैं, इनसे हम देख सकते हैं दुनिया की स्थिति को और विवेक विचार द्वारा समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। लेकिन न हम बाहर के नेत्रों से देख करके सीख ले रहे हैं, न विवेक और विचार का प्रयोग कर रहे हैं, बस बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। साहब ने कहा इसलिए ऊपर की दो गई हियहु की गई हेराए, कहीं कबीर जाके चारी गई ताको काह उपाय। जिसके ऊपर के दोनों चर्म के नेत्र फूट गए हैं, हृदय के विवेक विचार के नेत्र भी लुप्त हो गए हैं, इस प्रकार जाके जिसके चारों नेत्र फूट गए हैं उसके कल्याण का क्या उपाय है। हम देखते नहीं हैं अमुक प्रकार का गलत काम करके आदमी बर्बाद हो गया, फिर भी हम कर रहे हैं। तो अंधे हैं या नहीं है, सीख तो ले, सीख लेना चाहें तो हर समय हर जगह हमारे लिए सीख के अवसर उपलब्ध हैं। आंख फूटी हुई हो तो ठोकर खाने के अलावा क्या है। एक आदमी है जाता है रास्ते में, बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, टकरा गया, देख लिया, अब दोबारा जाता है तब रास्ता बदल देता है, टकराता नहीं है। और हम बार बार टकरा रहे हैं तो हमें क्या कहा जाए, हम आंख वाले अंधे बने रहे हैं। बचिए इससे। पानी माही पतान को रेखा, ठोकत उठे बभू का सहत घड़ा, नित उजल ढारे फिर सूखे का सूखा। साहब हम पर व्यंग करते हैं कि पानी के अंदर पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हजारों साल से पड़ा हुआ है, निकाल करके ठोको तो आग की शिनगारी निकलती है।
पानी के भीतर है, सैकड़ों हजारों साल से है, शीतल नहीं हुआ है, वही कठोर कठोर, वही अंदर आग समेटा हुआ। दूसरा उदाहरण साहब कहते हैं, अपने दरवाजे पर एक पत्थर ले आओ और रोज सुबह उठ करके हजारों घड़ा पानी उस पर डालो और उसके बाद उंगली से दबा करके देखो कि मुलायम हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आशा करते हैं, मुलायम होगा? वैसे वैसे कठोर हम पर है। साहब कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बीती जा रही है पानी के अंदर, सत्संग करते करते, संतों की बातें सुनते सुनते, ज्ञान बातें सुनते सुनते, अभी वही क्रोध की चिंगारी है, अभी वही काम की चिंगारी, अभी वही लोभ की चिंगारी, ये चिंगारी बुझनी चाहिए। लेकिन चिंगारी उम्र बढ़ती जा रही है, लिप्सा बढ़ती चली जा रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है, शिकायत बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। पत्थर से भी हम गए बीते, पत्थर तो निर्जीव है, हम अपने सजीव मानते हैं। जरा भीतर झांक कर तो देखें कि तृष्णा कितनी कम हुई है, काम की वासना कितनी कम हुई है, शक्ति शरीर जवाब दे रहा है लेकिन मन में अभी भी उमंगे वही के वही। साहब ने व्यंग किया है, तन के वृद्ध कहा भव बौरे मनवा अजहू बारो हो, ऊपर उजर कहा भव बौरे मनवा अजहू कारो हो, तुम्हारे ऐ पगले तुम्हारे सिर के बाल उजले हो गए लेकिन मन तो अभी भी काला काला बना हुआ है। सिर के बाल उजले होने से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर के बाल भले काले रहे लेकिन मन उजला होना चाहिए। शरीर बूढ़ा हो गया, दांत टूट गए, मुख के दांत गए कहा भव भौरे भीतर दांत लोहे के हो, ऐ पगले तुम्हारे मुख के दांत टूट गए तो क्या फर्क पड़ता है, भीतर तो तृष्णा के मजबूत लोहे के दांत बने हुए हैं, कितने बूढ़े हैं, दांत टूट गए तो खरल से कुट कुट करके चबा रहे हैं सुपारी, लार बह रही है, पान चबाने की आदत, खाने की आदत, तो कूट कूट करके खा रहे हैं, ये लोहा के मजबूत दांत, ये टूटने की जरूरत है, भीतर के दांत टूटे, बाहर दांत टूटे या न टूटे, भीतर अभी भी उमंग। हमसे ये तो अच्छा पत्थर निर्जीव, ये भीतर चिंगारी बुझने की आवश्यकता है। मन कोमल होना चाहिए, अब मन कोमल नहीं हुआ तो भजन कहां हो रहा है, मन कोमल नहीं हुआ तो धर्म जीवन में कहां उतर रहा है, मन कोमल नहीं हुआ तो परमात्मा को भगवान की ईश्वर को समझा कहां है हमने, मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ किए करते घूम रहे हैं दुनिया में, ये काम नहीं आएगा। अकेले में बैठना होगा और अकेले बैठ करके अंतनिरीक्षण करना होगा, आत्म परीक्षण करना होगा। अकेले बैठे भजन क्या है, आत्मशोधन और आत्मज्ञान, दो ही काम जीवन में करना है। पहली बात चाहिए आत्मशोधन, आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं ये समझना। दिखाई तो पड़ रहा है शरीर, एड़ी से चोटी तक हाड़ मांस का ढांचा, क्या मैं यही हूं? लेकिन ये शरीर यदि मैं यही हूं तो एक दिन ये नहीं था, जन्म के पहले शरीर कहां था और एक दिन शरीर नहीं रहेगा, मौत वादे कहां रहेगा? तो क्या जन्म के पहले मेरा अस्तित्व नहीं था, जन्म के बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा? नहीं था तो मैं कहां से आ गया, आज हूं तो शरीर बाद में कहां चला जाऊंगा? थोड़ा बैठो और विचार करें, क्या शरीर तक ही मेरा जीवन सीमित है, शरीर तक मेरा अस्तित्व सीमित है? गंभीरता से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि शरीर के पहले भी मैं था और शरीर के नहीं रहने पर भी मैं हूं। मैं कहने वाला जो तत्व है वो शरीर पहले था, शरीर बाद भी रहेगा, उसका विनाश नहीं होता।
उस तत्व को आप जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, उसी को आप ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, परमात्मा कह लो, आपकी मर्जी। ये तो सब शब्द हैं, आप हुआ है। तो पहला चाहिए आत्मज्ञान, स्वयं की परख, क्योंकि आदमी को और किसी पर विश्वास हो या न हो, आत्मस्तित्व पर तो विश्वास सबको है। आप प्रश्न पूछें कि ईश्वर है या नहीं है, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है। दुनिया से बाहर आकाश पाताल में कहीं स्वर्ग है या नहीं, स्वर्ग नरक है या नहीं है, कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। पाप पुण्य होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ लोग कहेंगे होते, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। मरने के बाद आदमी को कर्म फल भोग होता है या नहीं होता है, कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है। दो उत्तर मिलेंगे, लेकिन किसी से पूछो कि तुम हो या नहीं हो, वो क्या कहेगा? कि मैं नहीं हूं कहेगा? कौन कहेगा कि मैं नहीं हूं? अपने होने पर तो सबको विश्वास है। मैं नहीं हूं ये कौन इंकार करेगा? और यदि कोई कहता है कि मैं नहीं हूं, तो यह कहने के लिए भी उसे होना पड़ेगा। मैं नहीं हूं कहने के लिए भी मुझे होना पड़ेगा, तब तो कहूंगा कि मैं नहीं हूं। तो मैं हूं ये ऐसा विषय है जिसे कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं तो हूं, भगवान हो या ना हो, खुदा हो या ना हो, स्वर्ग पाताल होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं या ना होते हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना, तो मैं कौन हूं? इसका ज्ञान, आत्मतत्व की पहचान, यही भजन है। अपने आप को दुनिया से, जड़ तत्वों से अलग कर लेना, ये भजन है। भजन का एक अर्थ विभाजन, अलग करना, छांटना और चुनना, पसंद करना होता है। तो आत्मस्तित्व का ज्ञान, आत्मबोध, यह असली भजन है। लेकिन इस भजन के बाद दूसरा काम बाकी रह जाता है, आत्मशोधन, निरंतर अपने मन की निरख परख करते रहना। जिस काम के लिए मुझे जीवन मिला है, वो काम मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दुख छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं, क्लेश मिट रहा है या नहीं मिट रहा है, शांति आ रही है या नहीं आ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वस्थता, स्वतंत्रता, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं क्लेश तो नहीं, बंधन तो नहीं बढ़ रहे हैं, अशांति तो नहीं बढ़ रही है, चिंता तो नहीं बढ़ रही, भय तो नहीं बढ़ रहा है। यदि ये मानव जीवन को पा करके हमने आत्मकल्याण का काम नहीं किया, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और आत्मशोधन नहीं किया, तो मानो हम सब क्या कर रहे हैं? ऐसा सुंदर मानव शरीर पा करके टट्टी पेशाब बनाने का कारखाना चला रहे हैं। हर आदमी टट्टी पेशाब बनाने का कारखाना चला रहा है। बाहर का कारखाना होता है, कच्चा माल डालो पक्का माल निकलता है, ये शरीर रहता है, पक्का माल डालो और कच्चा माल निकलता है। यह तो हम लोग कर रहे हैं। तो इस शरीर से यदि आत्मबोध हुआ और आत्मशोधन करके आत्म शांति मिल गई, तो मानव जीवन पाना सार्थक हो गया। हमने भजन को जीवन में चरितार्थ कर लिया। इस भजन को हमें समझने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मनमति आत्महन गति जा। हम सब गोस्वामी जी की भाषा में आत्महत्यारे हैं, यदि आत्मकल्याण का काम नहीं किया तो। और आत्मकल्याण का काम करना सदगुरु कबीर की भाषा में यही भजन करना है। जीवन को देखें, उम्र बढ़ती चली जाए, शांत, स्वस्थता, प्रसन्नता,
आत्मनिर्भरता, आत्मसंतोष, ये सब बढ़ते चले जाएं। भय, चिंता, मोह, लिप्सा, ये सब घटते चले जाएं। इनको घटाना, संतोष, शांति, प्रसन्नता को बढ़ाना, यही भजन है। ये भजन जितने कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। इन्हीं वचनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम।